हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर से आपके सामने हैं। भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट्स लेकर आए हैं। भौतिक विज्ञान में चैप्टर का नाम है मात्रक इकाई। चैप्टर का नाम है मापक यंत्र एवं पैमाने। ये टाइपिंग करते वक्त टाइपिस्ट ने गलती कर डाली है। चैप्टर का नाम है मापक यंत्र, साथ में पैमाने। मापक यंत्र एवं पैमाने, वो मात्रक तथा इकाई चैप्टर की वीडियो कल आएगी। तो हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन इसे हटा देते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की गहराई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। पहले क्वेश्चन का आंसर है सोनार। महासागर में जो वस्तुएं डूब जाती है उनकी गहराई का पता लगाने के लिए हम सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर। वेरी सिंपल चैप्टर है और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर एग्जाम्स में आता है। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप को मापने के लिए हम पाइरोमीटर यंत्र का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध के घनत्व को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा दूध के घनत्व को मापा जाता है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता होती है उसे हाइग्रोमीटर से हम मापते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब नापने के यंत्र का क्या नाम है? टैकोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, एक्टीमीटर, बैरोमीटर। इसका आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब को स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता को नापा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर सी। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, रेनगेज। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को हम सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापते हैं। समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से, बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, अल्टीमीटर से। फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ के द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है। एक टेस्ट होता है, उस यंत्र का नाम है पॉलीग्राफ। विद्युत धारा किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? विद्युत धारा एमीटर के द्वारा मापी जाती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर से टाइपिस्ट ने गलती कर डाली। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ऑप्शन अलग है, क्वेश्चन कुछ और होगा, इसे ही लिख डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपिस्ट बहुत गलतियां कर रहा है। वायुयान की ऊंचाई मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? वायुयान ऐसे अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर। इसका आंसर है अल्टीमीटर। वायुयान की जो ऊंचाइयाँ होती है, कितनी ऊंचाई पर वायुयान उड़ रहा है, अल्टीमीटर मापक यंत्र से मापा जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कॉम्पिटिशन जीएस स्टडी। लास्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? प्रतिरोध मापने वाले यंत्र का नाम, ऑप्शन ओम, एमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर। फिर से गलती, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम से नहीं मापा जाता है। प्रतिरोध मापने के लिए हमें व्हीट स्टोन सेतु की ज़रूरत होती है। व्हीट स्टोन सेतु की ज़रूरत होती है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। फिर से टाइपिस्ट की गलती, ऑप्शन में गलती की थी। और इसी के साथ आज हमारा फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट्स 15 क्वेश्चनों का पूरा होता है। हालांकि 15 क्वेश्चंस नहीं थे इसमें, एक क्वेश्चन रिपीट था, इसलिए 14 क्वेश्चन ही बैठते हैं। ये क्वेश्चन गलत उतार रखा है, इस टेस्ट में टाइपिस्ट ने बड़ी गलतियां कर डाली। फिर भी देखते हैं, नेक्स्ट कल फिजिक्स का आएगा मात्रक एवं इकाई, जो शुरू में लिख रखा है, जिस चैप्टर का नाम ये लिख रखा है मात्रक एवं इकाई, इसकी वीडियो कल अपलोड होगी। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए।